मत नहीं मांगी, काम बथेरे हुए, एक के बाद एक काम हुए, महिलाओं को सुरक्षा पे कितने काम हुए, 49 दिनों में ही हमने इतना कुछ कर दिखाया कि आज तक भाजपा जो इतनी मेजोरिटी से जीती डरी हुई है चुनाव कराने से ज्यादा ना। और जो ये कहते भाग गई, 32 सीट की भाजपा आई थी, भाजपा को 32 सीट मिली थी याद है ना। तो जब भाजपा अपने दायित्व से भाग गई, जब भाजपा अपने दायित्व से भाग गई तो जो दूसरी बड़ी पार्टी उभरी आम आदमी पार्टी, ये दायित्व उसके ऊपर आया, तब हमने सरकार बनाया याद है ना। फिर दूसरी बार फिर कब भागी, जब हमने सरकार बनाने का हमारे पर दायित्व आया तो हमने कहा ऐसे नहीं बनाएंगे, जो दिल्ली वासियों के 18 मुद्दे हैं उस पे हम भाजपा के भी और कांग्रेस के विचार जानेंगे कि क्या ये दोनों सपोर्ट करेंगे विधानसभा में, नहीं करेंगे। तो हम पहली ऐसी पार्टी थी जिसने ये आशा किया कि कम से कम पार्टियां दिल्ली वासी के मुद्दों पे तो एक साथ काम करेंगी नहीं करेंगी। लेकिन हमने ये सीखा राजनीति के अंदर कि मुद्दों पे काम नहीं होती, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको तनिक चिंता नहीं कि दिल्ली वासियों के दुख दूर हो रहे कि नहीं हो रहे, इनको तनिक चिंता नहीं कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, इनको तनिक चिंता नहीं कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है, महिला सुरक्षा नहीं हो रही, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं, कुछ भी चिंता नहीं। भाजपा ने एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया, फिर भाजपा भागी, भाजपा फिर भागी बगैर सवालों के जवाब दिए। कैसी पॉलिटिकल पार्टी हो कि तुमको दिल्ली वासियों के दुख दर्द का पता ही नहीं। कांग्रेस ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री जैसे जीतता देश में कब रहा है, तो कांग्रेस ने जवाब दिया फिर सरकार बनाई। तो जो हम कहते हैं ना कि वो हमने छोड़ दी, कांग्रेस ने विधानसभा पटल पे हमारा साथ छोड़ करके भाजपा का साथ पकड़ लिया था, ये दोनों पार्टी एक हो गए। इन दोनों को लगा कि आम आदमी पार्टी लंबे समय तक के लिए चली तो सब जेल जाएंगे, जल लोकपाल पास हो गया तो सब जेल जाएंगे, इसलिए इन सब ने मिलकर के ये संरचना रची कि इस पार्टी को गिराओ, सरकार को गिराओ। और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम तो 28 सीट वाले थे है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या था कि भाई फिर से चुनाव करा लो, पूर्ण बहुमत से आकर के 5 साल सेवा करेंगे। लेकिन इन बदमाशों को क्या, जो बदमाश है भाजपा कांग्रेस, इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिया। तो 14 फरवरी से 16 मई तक कांग्रेस चुनाव से भागी, चुनाव नहीं होने दिया, और 16 मई से आज तक भाजपा चुनाव से भाग रही है। तो भगोड़ी कौन हुई, हर स्टेट पे इलेक्शन हो गए, भगोड़ी कौन हुई, भाजपा हुई ना। पहले दायित्व से भागी, फिर दिल्ली वासियों के मुद्दों से भागी, फिर तीसरी बार चुनाव से भाग रही है ना, क्योंकि इन सबको पता है कि चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी बहुमत में आई और सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। पहली बार दिल्ली वासियों ने अनुभव किया कि बगैर भ्रष्टाचार के कैसे चलता है समाज, कैसे काम होते हैं बगैर पैसे खर्च किए, अब उसको झुटला नहीं सकता कोई। इसीलिए मोदी जी जैसे भी जिनको इतना बड़ा बहुमत मिला दिल्ली में चुनाव कराने से डर रहे हैं और ये चुनाव आखिरी तक ले जाएंगे। 14 फरवरी 2015 के पहले पहले दिल्ली में सरकार बन ही जानी चाहिए संवैधानिक तौर पे, बन तो जाएगी लेकिन इलेक्शन जरूरी है, वही भी कह रहा हूँ। इसीलिए चुनाव अब इनकी मजबूरी हो गई है, अब चुनाव से भाग नहीं सकते। इसीलिए आई थिंक ये ऐसा होगा कि फरवरी के पहले सप्ताह में आपका चुनाव होगा। लेकिन इस बार, पिछली बार हम लोगों को कोई जानता नहीं था है ना, इस बार दुश्मन हमें जानता है, ये बड़े लोग हैं। कांग्रेस हो गई जीरो, कांग्रेस जीरो है, कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण जीरो हो गई। कांग्रेस ने जानबूझ करके खरबों रुपया खर्च किया देश में किसके लिए, गरीब गरीब रहे, अशिक्षित अशिक्षित रहे, लोग पढ़े लिख गए, तो राहुल गांधी जैसा आदमी नहीं चुनेगा प्रधानमंत्री, देखो है ना। इसलिए इनकी सारी की सारी व्यवस्था ये है कांग्रेस की कि देश में खरबों लाखों करोड़ खर्च करो कि जनता गरीब रहे, जनता शिक्षित रहे, इसलिए कांग्रेस को तो देश में नकार दिया। अब कांग्रेस हो गई बड़ा जीरो, कांग्रेस को आज के तारीख में वोट डालने का मतलब है अपना वोट खराब करना, ना कांग्रेस को ना, इसलिए
अब तो स्ट्रक्चर सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी में, और भाजपा इतनी डरी हुई है क्योंकि भाजपा को पता है और राज्यों में कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ कंपटीशन कहां है, दिल्ली में। असली शेर बैठा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और हमने शपथ ले रखी है कि वे 5 साल सेवा दिल्ली में करेंगे, फिर कहीं चुनाव में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दिल्ली में सेवा करके 5 साल दिखाएंगे, जो 49 दिन हमने करके दिखाए, बिजली आदि, पानी फ्री, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पे हमने काम किया, वो 5 साल के लिए करेंगे, फिर इनको मालूम पड़ेगा कि सेवा क्या होती है। चाहे वो मेरा खिड़की वाला कांड हो, चार बिंजी का धरने वाला कांड हो, लेकिन हम सब ने जनता के लिए जान तक दे दी। खिड़की वाला कांड को गलत नहीं था, वो सही था आपका। पहली बार किसी ने, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता ने पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, कोई नेता इसने पुलिस के खिलाफ बोला आज तक? नहीं, नहीं बोलता। पुलिस के जरिए तो वो पैसा बनाते हैं, आपने हिम्मत करी, इसीलिए आप सबको चुनते वक्त देखिए, यही ख्याल रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए। इस घर घर जाना है, सबको समझाना है, सबको साथ लेके चलना है, और कहना है कि भैया झाड़ू पे वोट लगाओ, जिससे कि हमारी बिजली आधी हो, पीने का पानी आए, हम जी सके, मान सम्मान के साथ हम जी सके।